महोबा में दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। ये पिंक बूथ है, ये नगर पालिका परिसर में बनाया गया है और लोग वोटरों की व्यवस्थाओं के लिए लगातार यहाँ पर दो सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और इसके अलावा जो माताएं हैं उनके लिए एक आचरण केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। भारी पैमाने में पुलिस बल तैनात है, लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, अपना मत का प्रयोग करने के लिए बूथों पर लग गए हैं। आप देखिए महोबा न्यूज की ये रिपोर्ट। महोबा जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज यानी 11 मई को दूसरे चरण की होने वाले मतदान में मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर मतदाताओं की भारी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज जिले की 2 नगर पालिका व 3 नगर पंचायतों में कुल 1,39,198 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रही है। कुल 78,076 पुरुष एवं 69,122 महिलाएं मतदान करने वाली है। जिले में 92 मतदान केंद्र, 186 मध्य स्थल एवं 28 संवेदनशील व 54 अति संवेदनशील सहित 10 अत्याधिक संवेदनशील मतदान स्थल हैं, जिनके लिए 18 आरओ, 36 एआरओ, 2 जोनल व 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। आज के मतदान के बाद आने वाली 13 मई को जिले का नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अपना नया चेयरमैन मिल जाएगा। मतदान देखने को मिल रहा है। हर वोटर में सुबह 7 बजे से ही अपने घर से निकलने की होड़ लगी हुई है। लोग नहा धो के तैयार होकर के और निकल पड़े हैं। रास्ते में भी भीड़ है और यहाँ भी जो है महिलाएं थोड़ा जरूर देर से पहुंचेंगे, लेकिन आदमी निकलने लगा है। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? हम नगर पालिका में बेहतर स्वच्छता चाहते हैं। नगर का जो चेयरमैन बने वो इस नगर में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आज 25-30 साल में कोई चेयरमैन पूरा नहीं कर पाया।